पार्ट ए, हमें एक स्क्वायर दिया है, थोड़ी सी बात आप समझने की कोशिश करें। इसकी ईच साइड 18 सेंटीमीटर है, हमने एक यहां से काट लिया है ऐसे, एक इधर से और एक इधर से, ये हमने मान लिया, हमने ये 1 सेंटीमीटर का काटा है हर तरफ से। लिख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 17। माना काटी गई भुजा बराबर x सेंटीमीटर, तो अब जो ये बचेगी लंबाई, x इधर कट गई, तो ये बचेगी 18 - 2x। केवल आपको इस क्वेश्चन में ये समझना है, और इसी के जैसा है अगला क्वेश्चन। इसमें स्क्वायर दिया है, उसमें रेक्टेंगल दिया है, केवल इतना डिफरेंस है। हमें निकालना है वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो आयतन को हम डिनोट करते हैं बी से। डिनोट का मतलब प्रदर्शित, 18 - 2x लंबाई, 18 - 2x चौड़ाई, और x होगी इसकी ऊंचाई। आयतन का फॉर्मूला, घनाभ का आयतन आप जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस फिगर का केवल इतना ही काम था आपको ये समझने। तो आयतन b बराबर क्या हो जाएगा आपका, x इसकी इसमें मल्टीप्लाई की आपने 324 प्लस 4x² - 72x। एक और बार मल्टीप्लाई कर दीजिए x की आप, 324x प्लस 4x³ - 72x². dv/dx, पहली बार डिफरेंशियल किया आपने, 324 प्लस 12x² - 144x। दोबारा किया d²v/dx² 24x, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है इसका 0, -144। उच्चतम मान के लिए आयतन उच्चतम होना चाहिए, ये कंडीशन है आपकी। क्या करते हैं हम, फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल को dv/dx = 0, 12x² - 144x प्लस 324 = 0, 12 को मैंने भाग कर दीजिए, x² - 12x प्लस 12 × 24, 84 12 × 72 72 87 27 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पर 12 आए। देखिए 9 दिया 27, x² - 9x - 3x प्लस 27 = 0, x कॉमन, x - 9 - 3 कॉमन, x - 9 = 0, x - 9 x - 3 = 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, 1 9 और 1 3। अब हम इस सेकंड टाइम वाले डिफरेंशियल को दो वैल्यूज पर चेक करेंगे। पहले हमने 9 पर चेक किया, d²v/dx² एट द पॉइंट x = 9, ये क्या हो जाएगा, 24 × 9 - 144, 9 × 36 = 6, 3 × 9 = 18, 19, 20, 21, घटाइए 72,
ये पॉजिटिव का बचा, तो आप क्या लिख देंगे कि अतः आयतन न्यूनतम है। जब ये न्यूनतम है तो हम इसे नहीं लेंगे, क्योंकि हमें तो आयतन उच्चतम चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा x इक्वल टू 9, असंभव है। अब हमने 3 पर चेक किया, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट x इक्वल टू 3, 24 इंटू 3 माइनस 144, 72 माइनस 144, माइनस करोगे तो माइनस के 72, माइनस पे उच्चतम होता है, अतः आयतन उच्चतम है। हमें तो उच्चतम ही चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 लिख दीजिए आप, अतः x बराबर 3 सेंटी, यही आपका आंसर है। क्लियर? ऐसे ही आपको 18 क्वेश्चन करना है। डिफरेंस क्या है कि इसमें एक वर्ग दिया था, उसमें एक आयत दिया है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, सेम टू सेम प्रोसेस। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक स्क्वायर है, मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा रहा हूं पहले, इसके अंदर ये एक रेक्टेंगल है, इसकी ये वाली साइड मैंने एक्स मानी और ये वाली साइड मैंने वाई मानी, ये सर्किल जो था, गोला जो था, उसका सेंटर पॉइंट है वृत्त का, सॉरी आपने इसको मिला दिया ऐसे, इसकी त्रिज्या a मानी थी, तो a ये होगा और a ये होगा। हमें सिद्ध क्या करना है, अगर इसका क्षेत्रफल महत्तम है, उत्तम है, तो ये आयत नहीं है बल्कि एक वर्ग है। आयत और वर्ग में क्या अंतर होता है कि आयत की ये दोनों साइड यानी कि आमने सामने वाली जो भुजाएं वो बराबर होती हैं और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर हम किसी तरीके से ये बात सिद्ध कर दें कि ये x और y आपस में बराबर हैं, तो हम ये कह देंगे कि ये एक आयत नहीं है बल्कि क्या है, एक वर्ग। ठीक, हम इसी प्रोसेस पे चलेंगे। इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, तो क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां से y की वैल्यू निकाल लो, चाहे x की, a की बात है, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फिगर का इतना ही काम है और कोई काम इस फिगर का नहीं है, केवल आपको यह समझाना है कि ये आयत है तो क्षेत्रफल महत्तम नहीं होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम जब ये होगा जब ये एक वर्ग होगा, और वर्ग के लिए आपको ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ करनी है, इसका मतलब एक्स और वाई बराबर है। चलिए, क्षेत्रफल होता है आयत का, जिसे आप डिनोट करते हैं ए से, एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई x, चौड़ाई y, a बराबर x एरिया दिस रहेगा, y की वैल्यू ये रहेगी, अंडर रूट 4 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
डिफरेंशियल किया है कि डीए अपॉन डीएक्स फर्स्ट इनटू सेकंड एक्स एज दिस, पहले इसका किया तो वन अपॉन टू अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब इसका करेंगे तो माइनस के टू एक्स प्लस एक्स का वन हो जाएगा, तो यहां बचेगा अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लिया अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी ये अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 4a स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, ये आपका पहला डिफरेंशियल जो आया है dA अपॉन dx। अब आप इसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, देखिए अंश बटे हर का यूज करेंगे दोबारा में डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का वर्ग अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग, इसको लिखा आपने अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करोगे तो इंटू में आएगा माइनस के फोर एक्स माइनस, इसको लिखा हो आपने फोर ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, इसका करो तो इसका क्या होगा देखो आप वन अपॉन टू अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका किया तो माइनस के टू एक्स, टू से ये टू कैंसिल, कुछ नहीं है, सेकंड टाइम डिफरेंशियल करना है यहां फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब क्या होता है देखिए माइनस के फोर एक्स इंटू में क्या है ये अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या है ये माइनस माइनस प्लस x इंटू 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लिया जी आपने 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में आ गया ये 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनमें से x कॉमन था x कॉमन ले लिया, इस चार से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, चार की मल्टीप्लाई करनी है तो माइनस के चार चौक 16a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, क्या बचेगा जी
x बाहर कॉमन है, 4x में से इसे माइनस कर दिया 2x स्क्वायर, 16 में से 4 माइनस किया आपने 12 ए स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या इनकी भी मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी पावर हो जाएगी 3 अपॉन 2। फोर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। उच्चतम मान के लिए क्या करेंगे आप, फर्स्ट टाइम वाले डिफरेंशियल को dA अपॉन dx बराबर जीरो, इसका मतलब क्या होगा जी, 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर जीरो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर जीरो, इसे इधर ले आओ, थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देते हैं, हमें जरूरत केवल इसकी पड़ेगी। देखिए आप क्या है, 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर जीरो, 2x स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, 2 2 4, तो x बराबर आ गया आपके पास अंडर रूट 2a। क्लियर है बात, x की वैल्यू ये आ गई। चलिए डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर फाइंड आउट कर रहे हैं हम, एक्स इज इक्वल टू रूट टू ए, क्या आता है एक्स रूट टू ए इंटू टू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे आप 2 2 4a² माइनस 12a² अपॉन 4a² माइनस 2a², तो 2a² की पावर 3/2, इसका भी काम खत्म है, तो इसलिए इसे भी रफ कर दीजिए आप। 4a² में से आपने 12a² को माइनस किया तो ये बचेगा माइनस के 8√2 a की पावर 3 अपॉन 2a² की पावर 3/2, हमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमें साइन से माइनस का आया तो आप क्या लिख देंगे, अतः क्षेत्रफल उच्चतम है तो x की वैल्यू तो यही हो जाएगी। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर वाई बराबर अंडर रूट 4a² माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे आप तो 2a² माइनस कर दीजिए आप 2a² रूट 2a वाई इक्वल टू, देख लीजिए एक्स और वाई सेम है, ये देखिए आप ये एक्स की वैल्यू है ये वाई की वैल्यू है, अतः
आपने देखा x बराबर y, यह एक वर्ग है, आयत नहीं है यानी ये। यही आपसे क्वेश्चन में प्रूव करवाया था मैंने, आपको पहले बताया था लैंग्वेज में कि अगर क्षेत्रफल महत्तम है उच्चतम है तो ये आयत नहीं है, ये वर्ग है। क्षेत्रफल उच्चतम है, आपने ये देख लिया, माइनस में आया था, और एक्स और वाई की वैल्यू बराबर आई तो ये एक वर्ग है। क्लियर बात? ओके, बाकी क्वेश्चंस आपको कल करेंगे।